हेलो, हाउ आर यू ऑल? वेलकम टू एवरीवन माय डियर शिवशा स्टूडेंट्स. गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. स्टैंडर्ड थर्ड, सब्जेक्ट हिंदी. बच्चों, आज हम जो ऐ है, जो ए है, वो हम पढ़ेंगे. हमारे हिंदी वर्णमाला में, स्वर में, हम जो आगे हमने ए देखा, आज हम आई देखेंगे. आई से ऐरावत और आई से ऐनक भी होता है. तो सबसे पहले आपको यहाँ पर जो है वो कलर फिल करना है इसमें. फिर उसके बाद यहाँ पर जो है आई लिखना है, यहाँ पर भी आई लिखना है. अब आई कैसे बनता है तो वो मैं आपको सिखाऊंगा. तो सबसे पहले मेक अ स्लिपिंग लाइन, आफ्टर देन स्टैंडिंग लाइन एंड क्रॉस लाइन. और उसके बाद यहाँ से थोड़ा सा कर्व करना है. और यहाँ पर जो है वो हमें मेक अ अल्फ़ाबेट जो कहते हैं हम, ग, गुजराती का जो ग है, हिंदी का जो ग है, वो आधा ही करना है. ओके, और फिर यहाँ पर ऊपर हमें एक स्टैंडिंग लाइन जो है वो खींच देनी है. तो ये हमारा आई हो जाएगा. तो आई कैसे बनता है? तो अ के साथ जब दो मात्राएं, आई की जो दो मात्रा है वो जुड़ मिलती है, तब हमारा आई बनता है. ओके, हिंदी में ऐसे आई लिखते हैं. ओके, तो यहाँ पर हम आई के बारे में जानेंगे. पढ़ो और लिखो. तो सबसे पहले यहाँ पर आपको सब कुछ लिखना ही है. कैसे लिखना है वो मैंने आपको समझा दिया. फिर यहाँ पर आपको थ्री टाइम्स आपको यहाँ पर लिखना है. कई, खई, गई, घई, चई, छई, जई, जई, टई, ठई, डई, ढई, हणई, तई, थई, दई, धई, नई, पई, फई, बई, भई, मई, यई, रई, लई, वई, क्षय, 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 है, क्षय, ज्ञेय, त्रय एंड श्रेय. ये आपको तीन तीन बार लिखना है. फिर यहाँ पर आपको शब्द को पढ़ना है और फिर लिखना है बाद में. चलो मेरे साथ आप दो बार पढ़ेंगे. मैया, मैया, भैया, भैया, नैया, नैया, गैया, गैया, रवैया, रवैया, तैरना, तैरना, खैर, खैर, सैर, सैर. अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे शुरू होने वाले शब्दों को राइट का निशान लगाओ. टिक द वर्ड्स विच बिगिन द विथ आई. तो यहाँ पर ऐ से शुरू होते हैं वही शब्द पर राइट का निशान. यहाँ पर देखो, ऐ से शुरू हुआ राइट, तो यहाँ पर राइट का निशान तो लगाया ही है. यहाँ पर पई से शुरू होता तो ऐ से तो नहीं हुआ ना, इसलिए रॉन्ग आएगा. यहाँ पर खई से शुरू हुआ तो रॉन्ग आएगा. यहाँ पर ऐ से शुरू हुआ राइट आएगा. यहाँ पर भई से शुरू हुआ इसलिए रॉन्ग आएगा. और यहाँ पर ऐ से शुरू हुआ तो राइट आएगा. फिर आपको जो हमारा न्यू क्वेश्चन जो है वो है, आई को तीर की दिशा में पढ़कर शब्द बनाना है. तो हमें मेक द वर्ड्स बाय द रीडिंग आई, आई इन द डायरेक्शंस ऑफ एरो, आई को नक्स के साथ जोड़ो तो ऐनक हो जाएगा. फिर ऐरावत, ऐसा, ऐक्य और ऐलाना, ऐश्वर्य. तो ये हमारे वर्ड्स हो जाएंगे. फिर हमें आइडेंटिफायर करना है पिक्चर को और फिर उसके नाम लिखना है. चलो इस पिक्चर को आप पहचानो. तो ये क्या है? तो हमारी अखबार है, दैनिक है. इसको हम क्या कहेंगे? दैनिक. तो हम यहाँ पर लिखेंगे दैनिक. ये क्या है? सैनिक है. तो हम क्या लिखेंगे? सैनिक. ये है बैल है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे बैल. और यहाँ पर पैसा है, तो यहाँ पर हम पैसा लिखेंगे. अब जो है चित्र पहचान कर हमें कोष्टक को भरना है. आइडेंटिफाई द पिक्चर्स एंड फिलिंग द ब्लॉक बॉक्सेस. ये चित्र कौन सा है? सैनिक का है. नी तो है ही, तो हमें सही लिखना है और क लिखना है, तो हमारा सैनिक शब्द बन जाएगा. ये दैनिक का है, रोज बरोज जो अखबार आता है वह उसका है, तो हमें यहाँ पर दई लिखेंगे और क लिखेंगे, तो दैनिक हो जाएगा.
यहाँ पर ये बैंगन का चित्र है, ब और ग ही लिखना तो यहाँ पर बैंगन बन जाएगा। और ये जो हमारा नीचे का जो चित्र है वो है मैदान का है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर मई लिखेंगे और यहाँ पर दा लिखेंगे तो हमारा मैदान बन जाएगा। फिर ये गैया है तो हम गई लिखेंगे तो गैया हो जाएगा। ये नैया है तो यहाँ पर नैया हो जाएगा। फिर हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, छुटा हुआ अक्षर लिखो तो मैला, हमें जो भी इसमें से मिसिंग लेटर है वो यहाँ पर फिल करना है। मैला चैन तैरना छैला मैया एनक फैलाव बेल। ओके, फिर हमें यहाँ पर चित्र को देखना है और ब्लैंक्स को फिल करना है। फिलिंग द ब्लैंक्स बाय सेलेक्टिंग वर्ड्स फ्रॉम द ब्रैकेट्स, इस ब्रैकेट्स में से आपको ढूंढ कर यहाँ पर लिखना है। ये कौन सा चित्र है, बैल का है तो भैया बैल पकड़। ये मैदान है तो बहन मैदान में खेल। ये पैर है, गीता जमीन पर पैर रख। फिर हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है रीड द सेंटेंस एंड राइट, यहाँ पर हमें सेंटेंस को रीड करना है और फिर यहाँ पर लिखना है, कॉपी पेस्ट करना है। ओके, कैलाश पैसा ला, कैलाश पैसा ला, बहन गैया चराने जा, बहन गैया चराने जा, माला घूमने नैनीताल जा, माला घूमने नैनीताल जा। फिर सैनिक देश की रक्षा करता है, सैनिक देश की रक्षा करता है, तो आपको यहाँ से देखकर यहाँ पर लिखना ही है। तो बच्चों आपको जो है पेज नंबर 38 से लेकर 40 तक आपको खुद ही वर्क करना है, वन टाइम टेक्स्ट बुक में एंड वन टाइम नोटबुक में। लेकिन नोटबुक में कहीं पर भी पिक्चर्स को आपको ड्रॉ करना नहीं है। ओके, गुड बाय माय डियर स्टूडेंट्स।